15 को एक फॉर्म में एक पुराने में शुद्धित है कि 50,000 रुपए की, ठीक है, 50,000 रुपए की एक पुराने में शुद्धित क्रय की। इस पर निम्न व्यय है, जहाजी भाड़ा 4,000 रुपए, इसके मूल्य में पैसों पर 4,000 रुपए है। फिर आया शुल्क 5,500 रुपए। फिर गाड़ी भाड़ा है 1,500 रुपए, मरम्मत है 500 रुपए, फिर है दलाली 500 रुपए। इन सबको प्लस करेंगे आएगा आप लोगों का 62,000 रुपए आपकी संपत्ति का मूल्य, ठीक है। फिर इस मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष तथा 10वें वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य है 2,000 रुपए, ठीक है। इसका एक्चुअल मूल्य निकल गया, ठीक है, मूल लागत निकल गई कितनी 62,000 रुपए, ठीक है। इस पर बोला गया है अवशिष्ट मूल्य बताया गया है कि 2,000 रुपए है माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे 10 वर्षों के लिए इसका जीवन काल है, तो 62,000 माइनस 2,000 करेंगे 60,000, 60,000 बटे 10 करेंगे आएगा हमारा 6,000 रुपए इसकी किश्त, है ना। ऐसे निकलेगी स्थाई किश्त पद्धति के द्वारा इसका किश्त निकलेगा। हाज की राशि कितनी होगी 6,000 रुपए। 30 सितंबर 2015 को मरम्मत एवं नवीनीकरण पर 2,000 रुपए व्यय हुए, तो 1 जुलाई 2017 को यह मशीनरी 30,000 में बेच दी गई। 3 वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाएंगे। तो आप लोगों को मैं ऐसे सिंपली तौर पर बता रही हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे। आप लोगों का यहाँ पे मूल्य खास सब निकल गया है, तो कॉलम के साथ आप लोग बनाएंगे। मैं आपको ऐसे इसीलिए मैं समझाने के लिए ही इसमें से समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का 1 जनवरी का क्या कॉलम बनेगा, कितने की है मशीनरी 50,000 की, पुरानी मशीनरी क्रय की, ठीक है, पुरानी मशीनरी क्रय की, तो रो खाते से कितना 50,000 रुपए, ठीक है। फिर इस बार कितने व्यय हुए, व्यय से कितने व्यय थे टोटल हम लोगों ने प्लस किया था 4,000 प्लस 5,500, 1,500, 500 और दलाल के 500, टोटल को प्लस करके आएगा हमारा 12,000। या आप लोग डायरेक्टली 62,000 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस पर हाथ लगाना है, तो कैसे कि 31 दिसंबर को लगेगा, ये 2015 का है, ठीक है, 2015 का, तो हाथ खाते को, ठीक है, इस पर हाथ हम लोगों ने निकाला अभी कैसे 62,000 टोटल हो रहा है, इसको प्लस करने से 62,000 माइनस करेंगे, इसमें अवशिष्ट मूल्य 2,000 के लिए माइनस 2,000 बटे 10 करेंगे हमारा आ जाएगा 6,000 हाथ खाते को। शेष हमारा इस पर निकल जाएगा 62,000 माइनस 6,000 करके हमारा आ जाएगा 56,000 रुपए, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब आएगा 2016 जनवरी 1, ठीक है, शेष कितना आया हमारा 56,000 रुपए, ठीक है, 56,000 रुपए हमारा शेष आया। इस पर फिर हाथ लगाएंगे 31 दिसंबर 2016 हाथ को 6,000 रुपए, वही सेम मास, ठीक है। तो इस पर शेष बच जाएगा हमारा 56,000 माइनस करने के बाद 50,000 रुपए, इनको प्लस करेंगे आएगा 56,000 रुपए। अब हम यहाँ देखते हैं जनवरी 1 2017 शेष आया हमारा कितना 50,000 रुपए, ठीक है। इस पर क्या बोला गया है कि 30 सितंबर को नवीनीकरण हेतु 2,000 रुपए व्यय हुए, 1 जुलाई 2017 को यह मशीन 30,000 में बेच दी गई, तो यहाँ क्या 1 जुलाई 2017 मशीन बेच दी गई, ठीक है, तो क्या होगा एंट्री
तो मशीन खाते के समापने में रोक खाते को कितने में बेच दी गई है? 30,000 रुपए में बेच दी गई है। ठीक है, इस पर अब हम लोग हाथ लगाएंगे। कैसे? 50,000 रुपए की हमारी क्या है? मशीनरी है। ठीक है, इस पर हम लोग का कितने दर से निकल रहा है? हास 6,000 रुपए का हमारा हास निकल रहा है प्रतिवर्ष का। ठीक है, 6,000 × 6/12 करेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से 1 जुलाई हम लोग गिनेंगे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना होगा। तो हमारी जो किश्त की राशि है कितनी? 6,000 रुपए। हास की राशि 6,000 को 3,000 रुपए। ठीक है, ये निकल गया। फिर अब निकलेगा 1 जुलाई को ही इस पर कितने की मशीनरी थी? 50,000 रुपए की थी। 30,000 में इसको बेच दिया गया। ठीक है, इस पर हाथ कितना लगा? 3,000 रुपए लगा। बाकी जो शेष रहेगा, जो मशीनरी बेचने के बाद शेष रहेगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस खाते को, यानी कि लाभ हानि खाते को। कितना? 50,000 की थी, 30,000 में बेच दिया, 30,000 उसका हास, शेष कितना बचा? 17,000 रुपए। ये आप लोगों का क्वेश्चन हुआ सॉल्व। जब मशीनरी क्रय करेंगे, ये क्या है? क्रय किया, हास दिया और वह मशीनरी को बेचा, इस पर ये ऐसा एंट्री बनेगा। ठीक है,